7 अक्टूबर 2023 को हमास ने सोते हुए इसराइल पर हमला किया था। हमास के सैकड़ों लड़ाके एकाएक जमीन, समुद्र और आसमान से इसराइल पर टूट पड़े थे और इस दौरान इसराइल के कई इलाकों में जमकर रक्तपात मचा था। लेकिन इस पूरे हमले के बीच हमास के कई लड़ाके इसराइल की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और पुरुषों को गाजा में बंधक बनाकर उठा ले गए थे। एक अनुमान के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने करीब 200 से ज्यादा इसराइलियों का अपहरण किया था, लेकिन बाद में 100 से ज्यादा बंधकों को एक डील के तहत रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी भी गाजा के भीतर 108 इजरायली बंधक है, जिनमें से 40 से ज्यादा की मौत की खबर है। युद्ध के बीच इसराइल के भीतर इजरायली बंधकों का मुद्दा अब पीएम नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा सियासी तूफान बनकर आया है। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव से लेकर इसराइल के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच पीएम नेतन्याहू की एक रिकॉर्डिंग लीक हुई है। दरअसल ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की है जब नेतन्याहू गाजा से रिहा हुए बंधकों और उनके परिवार से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बंधकों के परिजनों से कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले में मारे गए लोगों की संख्या प्रलय का एक अंश मात्र है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर 2023 के दिन हारा नहीं, क्योंकि नरसंहार के दौरान उन्होंने हर दिन 4500 बार 7 अक्टूबर की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई की बात तो कही, लेकिन उनका पूरा फोकस हिजबुल्ला और ईरान से होने वाले हमलों से बचने पर था। हालांकि ये टॉपिक इस मीटिंग का मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों के परिजनों से कहा कि बड़ी बात जो हमें और आपको पता चल गई है, हम समझते हैं कि हमारे आसपास हम सभी को मिटाने की योजना है। ईरान हमें मिटाने आ रहा है, हम सभी को मिटाने आ रहा है, हम पर नरक की आग बरसाने और हमें मिटाने आ रहा है। ये कोई विचार नहीं है, ये एक योजना है। वो एक साथ हमला करना चाहते हैं, सबसे पहले उन क्षेत्रों से जो उनके पास पहले से ही है, वे क्षेत्र जिन्हें हमने वापस ले लिया और उन्हें दे दिया। वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग के बीच इसराइल में कैद 105 बंधकों के 20 परिवार वालों ने तेल अवीव में हाईवे को जाम कर दिया है। ये सभी लोग बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग कर रहे थे। इन लोगों का आरोप है कि नेतन्याहू की बंधकों को छुड़ाने में कोई इच्छा नहीं है और वो सिर्फ युद्ध को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे गाजा में बंधकों की रिहाई की उम्मीद कम हो रही है, क्योंकि 20 अगस्त को खान यूनिस में 5 बंधकों के शव मिले थे, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। यही वजह है कि अब बंधकों के परिवार इसराइल की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।